हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप अपने लैंड नेटवर्क में कितने कंप्यूटर कनेक्टेड है आपके लैंड नेटवर्क में, ये आप आसानी से पता कर सकते हैं उसका आईपी एड्रेस, उसका कंप्यूटर नेम और उसका मैक एड्रेस। अगर आप आईटी इंजीनियर हैं या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो ये सॉफ्टवेयर आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है। मैं आपको प्रोसेस भी बताऊंगा आगे कैसे इंस्टॉल करना है इसे। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसे आईपी एड्रेस डाल के स्कैन किया तो हमारे पास ये कुछ रिज़ल्ट आ गए। तो हमारे लैंड नेटवर्क में इतने कंप्यूटर्स और इतने डिवाइसेस कनेक्टेड हैं जिसके आईपी एड्रेस ये हैं, मैक एड्रेस ये है और कौन सा कंपनी का है वो भी यहाँ पर दिख जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे इसे डाउनलोड करते हैं और कहाँ से इसे डाउनलोड करते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये पहले से ही डाउनलोडेड है, मैं इस पर डबल क्लिक करके इंस्टॉल करना शुरू करता हूँ। तो ये हमारे दूसरे स्क्रीन पे आ चुका है, इसे मैं करता हूँ ओके। फिर से दूसरे स्क्रीन पर गया, आप यहाँ पर रन भी कर सकते हैं या इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसे ही रन करके देखना है कि कितने कंप्यूटर हैं हमारे लैंड नेटवर्क में तो यहाँ से रन कर सकते हैं, आपको इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं होगी। ओके, तो यहाँ पे रन करते हैं और नेक्स्ट करते हैं, एक्सेप्ट द एग्रीमेंट एंड रन। तो टेम्प्ररी फाइल कुछ फाइलें एक्सट्रैक्ट करेगा ये और ये हमें रन करके दे देगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं अब ये हमारे पास क्या आया है, 192.168.1.1 और ये 254। किसी भी आईपी एड्रेस का जो हमारा लिमिट होता है वो 254 के आगे नहीं जाता है। जैसे हमारा ये सबनेट मास्क है .1 तक, तो इस सबनेट मास्क के ऊपर जो है हमारा 1 से लेके 254 तक कंप्यूटर इसमें मतलब कि आईपी एड्रेस असाइन हो सकते हैं। ये क्लास 3 का है हमारा। तो आईपी एड्रेस के बारे में अगर जानना होगा तो मैं उसके बारे में आगे वीडियो बनाऊंगा। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, बहुत सारे इसमें आईपी के क्लासेस होते हैं। ओके, तो अभी सिंपल हमें 254 तक का हम सर्च कर सकते हैं। ऐसे हमारे नेटवर्क में बहुत ही कम कंप्यूटर हैं, मुझे लग रहा है कि 5 या 6 होंगे। तो यहाँ पर मैं 254 कर देता हूँ, हो सकता है आईपी एड्रेस किसी का अलग हो। बस इसे कुछ नहीं करना और स्कैन कर देना है। तो हमारे नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स होंगे उसका आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस सारा चीज़ यहाँ पे दिखाई देगा। तो देख सकते हैं 2 अभी तक हमारा सर्च हुआ है, कंप्यूटर केयर और कंप्यूटर केयर 2, जिसका आईपी एड्रेस इतना है। एक हमारा राउटर का आ गया और देखते हैं कौन सा आता है। मेरा मोबाइल भी वाईफाई से कनेक्टेड है तो मे बी वो भी आएगा यहाँ पे। तो प्रोसेस देख सकते हैं 99% तक पहुँच चुका है और यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें 4 अलाइव हैं, 0 डेड है और 250 जो है अननोन है। हाँ, देख सकते हैं एक और आया हमारे पास, ये प्राइवेट है जो कि हमारा है, ये शायद सीसीटीवी का डीवीआर होगा। हाँ, ये डीवीआर का आ गया। अभी और सर्च हो रहा है। तो देख सकते हैं हमारे नेटवर्क में कुल इतने हैं। अब आप इसका जो है फाइल वाइल जो भी है इसको एक्सपोर्ट करके आप सेव कर सकते हैं, इसका प्रिंट ले सकते हैं, जो भी करना हो आप कर सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ से अगर आप प्रिंट लेना चाहेंगे तो इसका आप प्रिंट भी ले सकते हैं, इसका पीडीएफ बना के आप किसी को अगर रिपोर्ट देना है तो वो भी आप दे सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई आईटी इंजीनियर है या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है तो उसके लिए काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि ये आईपी एड्रेस से हम पता कर सकते हैं हमारे नेटवर्क में कितने कंप्यूटर्स हैं, कितने कंप्यूटर ऑन होते हैं, कोई अनऑथराइज्ड कनेक्शन तो नहीं है, तो उसे हम चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।